अगर आप चार धाम यात्रा के लिए रजिस्टर कर रहे हो और आपको दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हिमालय की प्रतिष्ठा प्रचंड है, यहाँ जलधाराओं में तिलस्मी संबंध है, यहाँ ईश्वर की लय में रम जाने का आनंद है, यह संत नगरी है, मोक्ष द्वार है, यह देव भूमि उत्तराखंड है, भारत की वो भूमि जहाँ शिव को शत शत प्रणाम है, जहाँ गंगा में मिश्रित हो जाना पुण्य का काम है, जहाँ मनुष्य के लिए भगवान के चार धाम है। उत्तरकाशी के बंदर पूंछ पर्वत पर स्थित है कालिंद पुत्री यमुना जी का धाम, यमुनोत्री धाम। भागीरथी के तट पर बसा जीवनदायिनी माँ गंगा का धाम, गंगोत्री धाम। महादेव शिव के तप में विलीन बाबा केदारनाथ धाम, और अंत में मोक्ष एवं मुक्ति का धाम, भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम। Hey guys, welcome to the channel. उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। जय बद्री केदार, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया। तो गाइस, आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी अभी चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। मतलब ये छोटे चारधाम है जो उत्तराखंड में पड़ते हैं। सो दोस्तों, अगर आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्टर कर रहे हो और आपको दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज ये वीडियो देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा। सोच रहा था ये मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं। मुझे किसी ने बोला था कि भाई ये रजिस्ट्रेशन में चारधाम में कुछ दिक्कत हो रही है। सोचा कि रजिस्ट्रेशन करके देखता हूं मैं क्या हो रहा है। कभी आ रहा था OTP गलत है, कभी आ रहा था कि आपका पासवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको इनकी ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बताता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको टाइप करना है चारधाम रजिस्ट्रेशन। जब आप चारधाम रजिस्ट्रेशन टाइप करोगे तो सबसे ऊपर आपको आएगा उत्तराखंड पोर्टल, उसी में आपको आएगा ऑनलाइन चारधाम यात्रा। तो आपको ये ऊपर वाली जो सबसे पहले लिंक है, इसको आपको क्लिक करना है। आप जैसे लिंक क्लिक करते हो तो इनका ये मेन पेज खुलेगा। इनके मेन पेज पे इनके एक ये पॉपअप आ जाएगा। ये पॉपअप में बताया जाएगा कि आपको ये चारधाम के जो कपाट है ये कब खुलेंगे, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब। तो ये कपाट खुलने की इनकी तारीख आएगी। अभी तो ये खुले नहीं, इसके लिए इनका कोई डेट मेंशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेन पेज पे इनके ये जो लोगो है राइट साइड में ऊपर रजिस्टर लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मेन पेज इनका आएगा। मतलब जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये रजिस्टर लॉगिन वाला पेज आपके यहाँ सामने खुलेगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, रजिस्टर फॉर चारधाम एंड हेमकुंड, और दूसरा है लॉगिन टू योर अकाउंट। तो अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको रजिस्टर फॉर चारधाम और हेमकुंड करना है, और अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो तो सीधा आपको लॉगिन टू योर अकाउंट करना है। इसमें भी दो ऑप्शन है, इंडियन पिलग्रिम और फॉरेन पिलग्रिम, मतलब इंडियन लोगों के लिए और फॉरेनर्स के लिए। तो आपको आप पहली बार कर रहे हो तो रजिस्टर फॉर चारधाम हेमकुंड में आपको इंडियन पिलग्रिम चूज करके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है, इसमें मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद इनके नीचे तीन ऑप्शन आते हैं, एक तो है टूर ऑपरेटर जो आप नहीं है, एक इंडिविजुअल है अगर आप अकेले जा रहे हो, और एक फैमिली अगर फैमिली के साथ जा रहे हो। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या इंडिविजुअल जा रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको वो चूज़ करना है। आप जैसे ही फैमिली को चूज़ करते हैं, उसके बाद आपको आता है ऑप्शन कि भाई पासवर्ड चूज़ करें। आप कोई भी 6 डिजिट का पासवर्ड चूज़ करते हैं, जिसमें एक अल्फ़ाबेट है और नंबर्स भी हैं। तो आप जब ये चूज़ करोगे और साइन अप करोगे, तो उसके बाद आता है एक OTP जो आपके मोबाइल पे आता है। तो अगर आप मोबाइल वाला OTP डालोगे तो आप ये रजिस्टर हो जाओगे। लेकिन यहीं पे तो ट्विस्ट आता है, काफ़ी सारे लोग ये रजिस्टर करना चाह रहे हैं लेकिन इनको आता है एक एरर। तो एरर ऐसा है कि आप जैसे ही आप साइन अप करते हो तो ये पॉपअप आता है समथिंग वेंट रॉन्ग। इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत है जिसके वजह से रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। या तो ये आपको आएगा, या तो आपको OTP गलत है ऐसा आएगा, या तो फिर आपने जो पासवर्ड चूज़ किया अल्फा न्यूमेरिक वो गलत है ऐसा आएगा।
तो घबराइए मत, क्योंकि मैंने इनके टेक्निकल टीम से मेरे बात होगी और उन्होंने कहा कि ये पोर्टल अपग्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पोर्टल डाउन है और आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे, तो फरवरी के एंड में ये पोर्टल अप हो जाएगा और आप इसको रजिस्टर कर पाओगे, ताकि फिर आप आगे की जो बुकिंग है आपकी चॉपर की वगैरह या ऑनलाइन रूम वगैरह की, वो आप कर सकते हो। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती होगी। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मैं नया वीडियो लाऊंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन खुल चुका है और कपाट खुलने की तारीख, तो इसके बारे में भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।